नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटीआई टेक्निकल नॉलेज चैनल पर। तो साथियों, आज की जो है वीडियो है वो सभी आईटी छात्रों के लिए बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट इसके अंदर न्यूज़ है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर सुनिएगा। तो साथियों, जो अभी बड़ी खबर निकल के आ रही है वो जितने भी आईटी कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए कि जो आपके आईटी के जो एग्ज़ाम होने हैं वो अब डिजिट ने फाइनल कर दिया है, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि आपके जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन होने हैं। तो साथियों, आपसे यही निवेदन करूंगा कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पुराने चैनल गवर्नमेंट आईटी अपडेट में कुछ टेक्निकल एरर चल रही है, तो जिस वजह से मैंने जो है नया अपना चैनल बनाया आईटी टेक्निकल नॉलेज। तो आप जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर है प्लीज़ इस नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आज ही जो डीजीटी ने जो है एक जो है हिदायत जारी की है, जिसके अंदर स्पष्ट उन्होंने कहा है कि जो आपके आगामी एग्जाम है वो आपके जो है ऑनलाइन होने हैं। तो साथियों, आप जैसे यही निवेदन करूंगा कि जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है लेटेस्ट अपडेट जो है आपको मेरे नए चैनल के द्वारा मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये साथी देख सकते हैं, यहाँ आज ही दिनांक जो है 15 जून 2020 का ये लेटर है। तो ये लेटर है आपका जो है सहायक जो है निदेशक राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद यूपी का, ठीक है। तो साथियों, जो है आपकी औद्योगिक जो प्रशिक्षण विभाग है आपका उत्तर प्रदेश का, तो उन्होंने जितने भी राज्य की सभी जो है आईटीएस व प्राइवेट आईटीएस को यहाँ पर लेटर जारी किया गया है। तो ये देख सकते हैं, उसमें विषय में बताया गया कि जो है प्रवेश 17 अगस्त 2018 में प्रवेशित परीक्षार्थियों की आगामी अखिल भारतीय व्यावसायिक जो परीक्षा है एनसीबीटी की एनुअल वाली जो कंप्यूटर बेस्ड कराए जाने हेतु जो है मॉक टेस्ट करवाए जाने के संबंध में है यहाँ पर। तो मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी जो है आईटीआई के हैं उनके लिए जो आगामी यहाँ पर सीबीटी जो है ऑनलाइन परीक्षा करवाई जानी है, तो उसके लिए मॉक टेस्ट करवाने के लिए यहाँ पर लेटर में बताया गया है। तो यहाँ पर आगे बताना चाहूँगा कि यहाँ पर लिखा गया है कि 11/6/2020 को जो है यहाँ पर जो है डीजीटी के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी उसमें अवगत कराया गया था कि प्रवेश सत्र जो है 2 अगस्त 2018 में जितने भी जो कैंडिडेट थे आईटीएस के उनकी जो एनुअल सिस्टम की परीक्षा होनी वो कंप्यूटर बेस्ड जो है करवाई जानी है, और राज्य के जितने भी सरकारी आईटी व निजी आईटी है उन सभी को जो है आईटी लैब को पूर्ण रूप से क्रियाशील करवाए जाने की जो है यहाँ पर बात की गई है, ताकि जो है आपका मॉक टेस्ट यहाँ पर लैब के अंदर अपने आपके आईटीआई के अंदर यहाँ पर करवाया जा सके। और ये भी साथ में ये भी अवगत कराया गया कि COVID-19 के कारण जारी लॉकडाउन में सभी संस्थान बंद है, इसलिए जो परीक्षार्थियों के मॉक टेस्ट का अभ्यास हेतु जो है डीजीटी ने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जो है निमी मॉक टेस्ट नाम एक ऐप उपलब्ध कराई, जिससे प्रशिक्षार्थी जो है अपने एंड्रॉयड मोबाइल फोन पर ही इंस्टॉल करके जो है मॉक टेस्ट का अभ्यास कर सकते हैं। और सभी संस्थान अपने समस्त जो है परीक्षार्थियों को उक्त ऐप को डाउनलोड कराकर शत जो है प्रतिशत अभ्यास करवाया जाना सुनिश्चित करें, और उक्त जो है परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी प्रशिक्षितियों हेतु जो निमी मॉक टेस्ट ऐप में उपलब्ध प्रश्न पत्रों का अभ्यास आगामी परीक्षा में उनके लिए सहायक रहेगा। और ये भी बात की गई है कि आपको जो है इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना है, ताकि जो है आगामी परीक्षा में जो है किसी भी प्रशिक्षार्थी को जो सीबीटी जो आपके एग्जाम होने उसमें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो साथियों, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर बता दिया गया है कि यहाँ पर जो आपके एग्जाम सीबीटी होने हैं और उसके लिए मॉक टेस्ट के लिए भी यहाँ पर बोला गया कि, और यहाँ पर ऐप भी डाउनलोड करने के लिए बोला गया कि आप अपने मोबाइल से ही जो है ऑनलाइन जो मॉक टेस्ट यहाँ पर खुद जो प्रैक्टिस कीजिएगा। तो साथियों, काफ़ी बड़ी यहाँ पर जो है आप सभी के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर सिर्फ अगस्त 2018 के एडमिटेड साथियों का जिक्र किया गया है, लेकिन जो मेरे पास सूचना है उसमें जो 2019 के कैंडिडेट हैं स्पेशली जो 1 ईयर की जो ट्रेड्स हैं उनके लिए भी जो है सीबीटी एग्ज़ाम यहाँ पर होने हैं। तो बाकी मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो बैक पेपर की, तो बैक पेपर वाले और जितने भी जो फर्स्ट ईयर के जो जो 2 साल की ट्रेड है जिनका फर्स्ट ईयर चल रहा है, तो उन सभी के लिए भी जो है आने वाले समय में कुछ जो है अच्छी न्यूज़ शायद निकल के आ जाए कि आपकी शायद एग्ज़ाम जो है आपको डायरेक्ट ही प्रमोट कर दिया जाए। लेकिन अभी तक इसकी जो है कंफर्मेशन अभी डीजीटी ने लेटर जारी करना, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा ही होगा। तो आप थोड़ा वेट कीजिएगा, ये नहीं कह सकता कि कब तक आपका इस तरह का कोई जो है ऑफिशियल लेटर जारी होगा, लेकिन मेरा पूरा यकीन है, मेरा पूरा दिल से आपको ये बात कह रहा हूँ कि आपका इस तरह का जो है डायरेक्ट प्रमोट वाला जरूर डीजीटी जो है इसके ऊपर कदम उठाएगा। क्योंकि खासकर जो बैक पेपर वाली बात तो बच्चों की करूँ तो मैं, क्योंकि उनका जो है काफ़ी
भविष्य जो अंधकार में जा रहा है, काफी सारा टाइम वेस्ट हो रहा है उनका, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो उनके यहाँ से निकल रही है जॉब की, जो निकली हुई है वैकेंसी, जब कोई चाहे मैं अप्रेंटिसशिप की बात करूँ या कुछ भी हो, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में जो इसके ऊपर जो है बड़ा आपके लिए हक में जो है निर्णय आ सकता है। तो इसके ऊपर भी मैं अभी आने वाले समय में एक स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा, जितने भी मेरे पास कोई प्रूफ है इसके रिगार्डिंग, तो जल्दी ही उस वीडियो में आपको मैं सारा आपको बताऊंगा। तो साथ ही आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को लाइक तो कर दीजिए, और प्लीज ये रिक्वेस्ट करूंगा कि नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए साथियों। मेरी एक कम से कम एक वीडियो तो आपको जो है वायरल करना बनता ही है, इतनी जो आपके लिए लेटेस्ट अपडेट मैं लेके आता रहता हूँ साथियों। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहाँ से आप हमारे नए चैनल का लिंक भी आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा साथियों। और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल पर जो है आईटी टेक्निकल नॉलेज जो मैंने बनाया है, तो उसके ऊपर आपको रेगुलर जो है मिलती रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपका, मिल लेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।